जिला पठानकोट के पटेल चौक के पास चाट का चस्का और साथ ही यूनिसेक्स सैलून की ओपनिंग हुई है। जी हाँ, चाट का चस्का में लोगों के बैठने के लिए 50 सीट्स हैं और बेहतर सुविधाएं जो है दी गई हैं। वही यूनिसेक्स सैलून में बैठने के लिए अराउंड 70 सीट्स हैं। चाट का चस्का में खाने की चीजों में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वही सैलून में जो है प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, जिसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ ही इनके जो प्राइस है बहुत ही जेन्युइन है। पठानकोट से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट, AMI न्यूज पंजाब। हाय, मेरा नाम राजीव कुमार आनंद है, मैं ब्रांड का बिजनेस हेड हूँ। और चाट का चस्का की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली ब्रूबेक्स ग्रुप का वेंचर है। एंड चाट का चस्का हमने जो स्टार्ट करी थी 2018 में स्टार्ट करी थी, और उसमें हमने ये रियलाइज़ किया कि लाइक स्ट्रीट फूड्स में या इंडियन फूड में कोई प्रॉपर ऐसा है नहीं, वेंचर है नहीं जो कि हाइजीनिक फूड प्रेजेंट कर पाए। तो हमने इंट्रोड्यूस किया चाट के चस्का को और हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी इंडिया में हम बात करें तो हम 75 प्लस आउटलेट्स हैं, प्लस इंडिया से बाहर भी हम काम कर रहे हैं। एंड लाइक अगर पंजाब में बात करें तो पंजाब में चाट के चस्कों किसी इंट्रोडक्शन का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पंजाब में ऑलमोस्ट हर एक सिटीज़ में हम अवेलेबल हैं। अभी पठानकोट में हम आ रहे हैं। एंड चाट के चस्का, जैसा नाम से आपको लग रहा है कि नॉट ओनली चाट, यहाँ पर हमारे पास कम्प्लीटली मल्टी कुजीन है, जिसमें नॉर्थ इंडियन फूड है, साउथ इंडियन फूड है, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है। चाट से यानी कि हर एक एज ग्रुप को हमने उसमें फोकस किया हुआ है कि हर एक एज ग्रुप को हम उसमें कैटर कर सकें। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ जयसर की बात करूँ तो इनको मैं थैंक्स कहूँगा, क्योंकि ये इंडिया में आकर के इंडियन फूड को ये किया, उसका ब्रांड एस्टैब्लिश किया पठानकोट के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम एज वेल एंड कार्तिक सर ऑल 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 गुरुवर के आशीर्वाद से और ठाकुर कृपा से हमारे पठानकोट में आज पटेल चौक में चाट का चस्का और स्टूडियो 99 का इनॉग्रेशन हो रहा है। तो जय और कार्तिक, जैसे कि नाम है ये वैसे ही एस्टैब्लिश इसको कर रहे हैं। यहाँ पर चाट का चस्का में जैसे चाट का नाम एक ऐसे लगता है कि शायद एक ही तरह का कुछ ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे अंडर वन रूफ आपको हर तरह के कुजीन मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे लहसुन और प्याज के बिना भी आपको पैकेजेस मिलेंगे, जो कि आप अगर घर में जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो यहाँ पे पठानकोट में ऐसा कोई ऐसी सर्विस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको वो भी मिलेगा। तो मेरी सारे पठानकोट वासियों से गुजारिश है कि एक बार यहाँ पर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आएँ और खूब आनंद लें, और उसके बाद तो आप खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि मैंने इनकी किचन देखी है खुद से और इतनी हाइजीनिकल किचन है और इतने अच्छे से इन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करने का प्रॉमिस किया है कि मुझे लगता है कि ये बहुत उन्नति है। चौक में चाट का चस्का और ऊपर एक सलून जो खुला है, वो मैं नया वेंचर है और मैं इनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट दैट इट विल डू वेरी वेल, स्पेशली द सलून वी सीन ऑल द प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक। एंड आई डोंट थिंक कि पठानकोट में ऐसा कोई सलून है जहाँ ये चीज़ें यूज हो रही हैं। एवरी थिंग इज़ वेरी परफेक्ट एंड आई फील एंड आई वॉन्ट ऑल द लेडीज एंड द जेंट्स, ये यूनिसेक्स सलून है, दे शुड कम अप वंस and have a look and use and take all the facilities there, and I think they'll be very happy there. I wish them all the best. Thank you. आज फिर से खुलने जा रहे हैं ये ऑलवेज रेस्टोरेंट, हम खुल रहे हैं और ऊपर हम एक सैलून भी लेके आ रहे हैं, जो आप पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होएगा, जो हम हाइजीनिक वे में इसको खोल रहे हैं। और अराउंड 50 लोगों की कैपेसिटी हुएगी इसकी सीटिंग की, एंड अराउंड 10 लोगों की सीटिंग की सैलून की कैपेसिटी हुएगी। तो आई विश ऑल ऑफ यू कम हियर एंड गिव अस विशेज एंड योर रिमार्क्स अबाउट द आउटलेट वी ओपनिंग इन पठानकोट। और दिस इज़ ऑन पटेल चौक एंड आई होप यू ऑल कम। पॉपुलर है और इसका कारण एक यही था कि इसको पठानकोट में हम वो वाला फूड लेके आए जो विदेशों में पॉपुलर हो रहा है इंडिया का। तो लुधियाना में भी ये है, लुधियाना के आसपास पठानकोट की मेन सिटी में लगभग है, तो ये लहसुन में इतना पॉपुलर है, वहाँ पर तो सड़कों पर लाइन लगी रहती है। तो हमारा यही था कि हम पठानकोट में भी ऐसा फूड, ऐसी फ्रेंचाइजी और ऐसा कुजीन लेके आए कि जो पठानकोट के लोगों को इंडिया में रहते रहते ही विदेशों का और इंडिया का, बॉम्बे की स्ट्रीट फूड का, चांदनी चौक के स्वैग का, सभी का टेस्ट दे।